मैं पिंड बंब तो सरपंच हाँ। मेरे फादर साहब सी जेडे बिजली बोर्ड चो रिटायर जई रिटायर सी। असी अपनी इधर बौली रमदास साडी जमीन है, उत्थे अपना झोने की कटाई कर रहे हैं। तो ये मेरे फादर साहब दोपहर का खाना लै गए, खाना लै गए आप खा के उतो इन्हों वापस आ रहे। तो वापसी के मगर फिर आप भी जो आ रहे हैं तो रस्ते दे वेच जो अं आए हैं तो मे मेरे अगे अगे मोटरसाइकिल से, मैं भी पिछे पिछे मोटरसाइकिल से। एक अचानक अगों हादसा आया कि एक बिना नंबर प्लेट तो मोटरसाइकिल तो अगों मोटरसाइकिल सवार जरा टकरा गया। जो मैं अगे लागे जाके वेख्या तो वह बंदा साढ़े बिल्कुल एक किलोमीटर दूर ओदा पिंड भोले गया तो रणधीर सिंह ही जिन्होंने मैं चंगी तरह जानता। मैं जाके उन्हों ये गल कही रणधीर सिंह मतलब चुक मेरे पिता जी को आप बचाइए हॉस्पिटल खड़ीए। वह बंदे ने मतलब मेरी कोई अन कोई गलबात नहीं सुनी तो मेरी ना सुनते हुए मतलब वो जाके तो मतलब मोटरसाइकिल अपना चक्या तो उतों के किक मार के तो निकल गया। बाद फिर असी ने चाचे को फोन किया और सारे इकट्ठे हो गए। असी उन्हें खड़ के हॉस्पिटल करने की कोशिश की पर जिन्ने टाइम में गड्डी आई उन्हें चलो उन्होंने हॉस्पिटल डेथ हो गई। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬੰਬ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭੋਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਟਕੇ ਦੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।